हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने किया आदर्श नगर UPHC का औचक निरीक्षण, सुविधाएं मिली दुरुस्त। परिवहन मंत्री ने कहा कि हर रोज लगाई जाएं सेंटर पर वैक्सीनेशन कैंप जाकर लोगों को जागरूक भी किया गया। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने लोगों से अपील की कि सभी लोग बढ़ चढ़कर वैक्सीन लगवाएं, तभी कोरोना महामारी का खात्मा हो सकेगा। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि देश को स्वस्थ रखने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना तभी पूरा होगा। वल्लभगढ़ से K9 मीडिया के लिए मुकेश राजपूत की ये रिपोर्ट। आप जहाँ भी लगाना तो लगा लो, सरकारी चीज हाँ, प्राइवेट किसी पर नहीं करना। आप मतलब ने दो सौ सुन रहे वहाँ पे दो सेक्टर हाँ उसमें लगाएंगे, क्योंकि प्राइवेट आदमी से लोग तरह तरह का प्रचार करते हैं कि हमको जगह अपनी है लगाना चाहिए। क्या संदेश देना चाहेंगे सर, आप पहुंचे हैं आदर्श नगर डिस्पेंसरी? आज जो वैक्सीन की जो शुरुआत सारे हरियाणा में है, बल्लड़ के इस समुदाय भवन में है आदर्श नगर, और मेरी लोगों से अपील है ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगाएं और कोविड जैसी महामारी को सबको मात देना है, और जो भी सरकार की गाइडलाइंस की पालना करनी है, और अपने अपने जो सेंटर पर जो भी लोग हैं इसके प्रति जागरूक होना चाहिए। इस बीमारी को हमें खात्मा करना है। जहाँ भी जिस भी सेंटर पे इंजेक्शन होते हों, जहाँ भी वैक्सीन लग रही है, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग और लोगों को जागरूक करें कि ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो अभियान है उसको हम सबको सफल करना है। जहाँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहाँ दूसरी तरफ 72 प्रधानमंत्री 135 करोड़ में आते हैं, वहीं एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये देश की पॉपुलेशन 135 करोड़ है, उसके लिए जागरूक करने के लिए हम सबको जो एक मुफ्त वैक्सीन केंद्र सरकार की तरफ से, उस अभियान को ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ लें, ज़्यादा से ज़्यादा इस बीमारी को मात करें। मेरी सबसे अपील है जहाँ भी सरकारी स्थान है, सरकारी सेंटर है, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लें।